गुमला कितना डेवलप हुआ है, पूरी जनता में रोष है कि ये विधायक नहीं चाहिए। जेएमएम तक भी उन्होंने बात पहुंचाया था, कुछ हमारे शुभचिंतक लोगों ने बताया कि जो अभी हमारे लिए काम किया ही नहीं उनको उनको लाने का काम ना करें हेमंत जी को। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि जो तीसरी बार मौका दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्ट चीजें हो रही हैं हमारे गुमला जिले में। जेएमएम के जो प्रत्याशी है वो 10 साल का कार्यकाल रहा है और दुर्भाग्य है कि हमारी बुनियादी समस्याएं नहीं फुलफिल हो रही हैं उनसे। निशा भगत जी, आपको एसटी रिजर्व सीट से टिकट मिला, इसके लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में मैडम, बताइए। मुद्दे ही मुद्दे हैं, अभी तक हम लोगों ने 24 साल दे दिया बीजेपी को, कांग्रेस को, जेएमएम को, आजसू हो, गठबंधन, महागठबंधन, सभी को दे दिया। हमारे पूर्वजों ने लड़ के लिया था झारखंड, और हमारे पास यहाँ बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं है। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस हीरा नागपुर, सोना नागपुर, झारखंड सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों के हाथों में, बाहरी लोगों के हाथों में है। स्थानीय नीति पे बात नहीं होती है, स्थानीय मुद्दों पे बात नहीं होती है। तो ये सब काफी जटिल समस्याएं हैं जो अगर अभी युवा नहीं जागेंगे तो मुझे लगता है कि बाद में झारखंड में हमें बचाने के लिए और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका है कि हमने 24 साल दे दिया उन हाथों में जो कि वाकई झारखंड को लूटने का काम किया है। और अब जो हम लोगों ने उलगुलान की, जो मुहिम छेड़ी है, जो हम लोगों ने सोचा है कि झारखंड को बचाओ अभियान जो चला रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पे अगर मेरी भूमिका अगर इन लोगों ने दिया है उम्मीदवार के तौर पे, तो मुझे खुद में गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लड़ाई लड़ रही हूँ। मैडम, जयराम महतो जिस आंदोलन से उभरे हैं, उस आंदोलन का असर आपके गुमला जैसे एसटी रिजर्व सीट है जो कि आदिवासी क्षेत्र है, उस बेल्ट में थोड़ा सा कम असर पड़ा है, तो क्या लगता है कि वहाँ पे आप लोगों को कन्विंस कर पाने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, चूंकि ये अस्मिता की लड़ाई है, चूंकि ये स्थानीय लोगों की लड़ाई है, ये स्थानीयों की बात कर रहे हैं, और किसी भी लड़ाई को अगर कोई शुरू करता है तो कहीं ना कहीं समय लगता है। आप लोगों ने देखा है लोकसभा चुनाव में कि क्या इनकी भूमिका रही है, और आने वाला समय जो अभी उन्होंने काम किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे युवा जो पीढ़ी है, मैं भी क्षेत्र में घूम रही थी, मैं भी जेलकम का प्रचार कर रही थी, जब मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया गया था तो किसी ना किसी को तो उम्मीदवार बनाया जाता। तो मैं जब जेलकम के लिए जब जा रही थी तो मैंने देखा है धरातल पे कि वास्तव स्थिति क्या है। वाकई लोग शोषित है, वाकई लोग वंचित है, जो अभी ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप देख लीजिए, मैया सम्मान योजना की बात हो रही है, तो मैया सम्मान योजना इन 5 सालों में क्यों नहीं दिखा? शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है? स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं है? हम धर्म कोड की बात किया हमने, क्यों नहीं है? सरना धर्म कोड एक बड़ा मुद्दा है, जयराम महतो भी उस मुद्दे को बार बार उठाते हैं, और क्योंकि आप उस समुदाय से आते हैं और आपका भी डिमांड है सरना धर्म कोड, तो क्या लगता है इस पर किस प्रकार से आप लोग मुखर होंगे? सबसे खूबसूरत की बात है कि जो जिनसे इल्जाम लगा रहा था कुछ धर्म के ठेकेदार लोग जो लगाए हैं अभी तक इल्जाम कि सरना और आदिवासियों के खिलाफ है ये बंदा, लेकिन जहां तक हमने वास्तव स्थिति देखी है, जयराम जी जो हमारे सुप्रीमो है वो लगातार आदिवासियों के हित के लिए, झारखंड के हित के लिए आवाज उठाते रहे हैं, और यही आवाज जो उन्होंने उठाया है, वाकई मुझे लगता है कि ये क्षेत्र पे प्रभाव पड़ेगा। तो मैडम, 1932 वहाँ का मुद्दा है क्या इनके अलावे, सरना धर्म कार्ड के अलावे, क्योंकि ये झारखंड का एक ज्वलंत मुद्दा है, क्या आपके क्षेत्र में इस सब को लेकर के लोगों में जिज्ञासा है कि 32 लागू हो, हमें यहाँ का रोजगार पे नियोजन पे जोड़ा जाए? बिल्कुल, हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, हम लोग नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, हम लोग विस्थापितों के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारे पास सिर्फ मुद्दा है, युवा जोश है कि हम लोग झारखंड को एक अलग नई दिशा में लेके जाने का कार्य कर रहे का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैडम, आप एक महिला हैं और महिला नेत्री, खास करके आदिवासी चेहरा बहुत कम ही इस संगठन में देखा जाता है, और महिलाओं का राजनीति में भी भागीदारी बहुत कम माना जाता है, तो आप अगर जीत करके आती हैं तो महिलाओं के लिए क्या विशेष कीजिएगा, और महिला के प्रति आपके दिमाग में क्या सोच है, क्या विचार है? महिलाओं के लिए ही
सोचूंगी, ऐसी बात नहीं है, एक महिला होकर के सभी लोगों के लिए सोचना है, क्योंकि झारखंड का बेड़ा उठाने का मैंने सोचा है कि हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको सबसे पहले तो वो ऑलरेडी सशक्त है। इतनी काम के विषय में देख लीजिए आप कि गांव हो शहर हो हर जगह हमारी विमेंस ही पहले रहती हैं, पुरुष बाद में होते हैं। तो मुझे लगता है कि विमेंस को रोजगार की आवश्यकता है, ना कि 1,000 रुपये की। तो मुझे जहां तक लगता है कि उनको रोजगार की आवश्यकता है, अगर रोजगार होगा तभी तो वो परिवार को चला पाएंगी। मैडम, और आपके सबसे आपके आपके अपोजिशन में आपके गुमला विधानसभा क्षेत्र से कोई तिर्की जी हैं, जेएमएम के कैंडिडेट हैं, तो जेएमएम का जो मैनिफेस्टो था 32 खतियान और बाकी सारे मुद्दे हैं, तो उन चीजों पे आप काउंटर करने के लिए किस प्रकार से आगे आएंगे मैडम? सबसे पहली बात तो है कि वो अभी जो हमारे वर्तमान में विधायक साहब हैं, उनका भी 10 साल का कार्यकाल रहा है। जेएमएम के जो प्रत्याशी है वो 10 साल का कार्यकाल रहा है, और दुर्भाग्य है कि हमारी बुनियादी समस्याएं ही नहीं फुलफिल हो रही हैं उनसे। तो मुझे नहीं लगता है कि योजनाओं को धरातल पर लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि गुमला कितना डेवलप हुआ है। और जहां तक है कि पूरी जनता में रोष है कि ये विधायक नहीं चाहिए, जेएमएम तक भी उन्होंने बात पहुंचाया था, कुछ हमारे शुभचिंतक लोगों ने बताया कि जो अभी हमारे लिए काम किया ही नहीं, उनको लाने का काम ना करें हेमंत जी को। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि जो तीसरी बार मौका दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्ट चीजें हो रही हैं हमारे गुमला जिले में, और वहां जहां पे सुविधाएं पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रही हैं, और इन लोगों का जो पेट भर रहा है, जिनको कहेंगे, जिनको अपनी झोली भरने का सिर्फ ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक अभी जो हमारी जेल केम की पार्टी है, हमें लगता है कि पूरी तरीके से वो सपोर्ट करेंगे जात पात छोड़ करके, क्योंकि ये यहाँ पे कई बार में जातिवाद एजेंडा चलाया गया है, जब सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का कार्य किया गया है। लेकिन अभी जनता जाग चुकी है, जनता समझ रही है। मैडम, वहाँ पे जातिवाद एक मुद्दा है क्या वोट को लेने देने के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधानसभा सीट है जहाँ पे लोग जाति देख करके भी वोट देते हैं, तो जातिवाद जैसे जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो या फिर धर्म, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुइज्म हो गया, ये सब के मुद्दे पर भी वोट किया जाता है क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल हुआ है इस तरीके का, बिल्कुल हुआ है। और मैं कहना भी चाहती हूँ कि जो ऐसी इस तरीके का राजनीति कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल से ही शुरू हुई है कि जात पात की राजनीति, और हमारे यहाँ भी जबरदस्त होती है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि इस बार लोग, जब कोरोना आया था तो आपने देखा कि किस तरीके से सभी धर्म के लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, उसी आधार पे मुझे लगता है कि इस बार अपने गुमला जिले को बचाने के लिए सभी लोग एकजुटता दिखाएंगे और जात पात को एक तरफ रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी मैडम, मैडम इन सभी चीजों से परे एक एक मिनट के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप आइडिया ऑफ झारखंड, आपके दिमाग में क्या, आप कैसा झारखंड को देखना चाहते हैं आप? क्योंकि आप बहुत सारे युवा लोगों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करने के लिए झारखंड को निकल चुके हैं, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग सफल भी हो पाएंगे, तो आप लोग कैसा झारखंड बनाएंगे? हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे झारखंड में रिसोर्सेस हैं वो हमारे बच्चों के लिए जो होनी चाहिए थी, शिक्षा की व्यवस्था, सबसे पहली तो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा गुमला पढ़ेगा तब तो आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज है कि अपने जीवन में स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, चरमराई हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, और यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो भी नीडी है स्थानीय लोग, उनको एटलीस्ट पूरा करना चाहिए। आज भी लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान है। आज अबुआ योजना के तहत कई लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्षेत्र में घूम रही हूँ तो देख रही हूँ कि किसी किसी के 1 साल से और किसी के 6 महीने से पेंडिंग पड़े हुए हैं, और उनसे उगाही भी की गई है कि अबुआ आवास आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो भी भ्रष्ट नीचे स्तर पे लोग, अभी जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, इनको पहले खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा हमारे लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। जी मैडम, कहीं ना कहीं पुराने जो नेता रहे हैं वो कहीं ना कहीं खून, जनता का खून चूसने का काम किए हैं, तो आप अंत में अपने विधानसभा के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैडम? मैं सभी गुमला के हमारे आदरणीय जितने भी गार्जियन हैं उनको, हमारे जितने भी मित्र बंधुगण हैं उनको, और हमारे से छोटे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी समय है, हमने 24 साल दिया है हर जी पार्टी के लोगों को, और अभी हमारे पास में मौका है कि हमारे झारखंड को,
करप्शन से बचाएं। आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं कि अच्छी नौकरी हो जाए, और क्या आप चाहते हैं कि यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, इन जगहों से, बाहरी जगह से लोग आए और आपके बच्चों का जो नौकरी है उसको खाने का काम करेंगे? जिन रुपयों के लिए सरकार इन नौकरियों को बेच दे रही है और हमारे बच्चे कहीं और मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, चंद रुपयों के लिए अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, तो इन सबको क्या रोकने के लिए आप एक नई मुहिम जगाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि हमारी जितनी भी आने वाली आबादी है खुशहाल रहे? तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आपकी बहन, आपकी बेटी को सपोर्ट करिए और एक नई मुहिम जगाने की कोशिश कीजिए हमारे झारखंड को बचाने के लिए। इतना ही कहना चाहती हूँ। जी मैडम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको चित्र की अग्रिम बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।